अस्सलाम वालेकुम आज का जो लेक्चर है हमारा वो डीप लर्निंग के ऊपर ही है और हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बेसिक्स देखने वाले हैं स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर डेटा देखने वाले हैं और साथ ही हम ये देखेंगे कि डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क का जो मेन एक कंपोनेंट है विच एक्चुअली चेंजेस द वे वी थिंक अबाउट न्यूरल नेटवर्क नाम है एक्टिवेशन फंक्शन पिछले लेक्चर्स में आपने जरूर देखा होगा नहीं देखा तो इसी सीरीज की वीडियोस के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन की वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं या अगर आपको टेनिक्स के चैनल पे एक्टिवेशन फंक्शन लिखेंगे सिर्फ सर्च बार में तो आपको वीडियोस नजर आ जाएंगे जिसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ पूरा लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ है और आज इस लेक्चर में भी आपको एक्टिवेशन फंक्शन का बताने वाला हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप यहाँ पे इस क्लास में लाइव मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप साथ साथ लेक्चर को सुनिए भी और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाइए आपका फायदा है। नहीं करेंगे तो इट्स टाइम पे जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डीप लर्निंग के जो हम कर रहे हैं, उसकी स्टार्ट होती है सुपरवाइज लर्निंग, लर्निंग या मशीन लर्निंग या का जब लफ जाता है इसका मतलब है जो पे हमारे पास मौजूद है वो कौन सी चीज है हम उस पर बात करेंगे और वो कॉमन चीज सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में क्या है उस पर भी बात करेंगे हमारे पास जब भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग करते हैं हमारे पास कुछ डेटा होता है तो जब हम उस डेटा के ऊपर अपना काम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है सिंपली इनपुट का डेटा है हमारे पास हम चाह रहे हैं कि समोसे का मटेरियल और हमारे पास जितना भी डेटा है या इमेज है कोई या mp3 सॉन्ग है या समथिंग लाइक दैट हमारे पास किसी भी किस्म का डेटा है अगर हम उसको आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उस डेटा की कुछ आउटपुट पहले से मौजूद हो यानी कि कुछ डेटा हमारे पास लेबल्स हो ठीक है लेबल्ड हो और उस ऑलरेडी लेबल डेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैंने यार चार रुपए का मटेरियल लिया और मेरे 600 के समूह से बिक गए कितने समोसे बनाए कितने समोसे की प्राइस आई आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम कहता बिके लेकिन एक दिन ऐसा आया नौ सौ तीन सौ का माल था वो वैसे बच गया सो आई कि मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या काम चल रहा है इसी तरीके से हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की काफी एप्लीकेशन है जैसे मैंने आपको समोसा मटीरियल या समोसा प्राइस की बात की मार्केट प्राइस की बात की किसी भी एंटिटी किसी भी चीज को जब आप डिवाइड करते हैं उसकी और उसके के अंदर, तो में हम उसकी बड़ा दूर दौरा चल रहा है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितनी आपकी सेल हुई पहले बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स और आजकल क्या हो रही है देन आपके पास डेटा है और उसकी बेस पे आपको फेसबुक एड्स मिलती है मैंने आपको मिसाल दी परसों कुछ ग्लासेस मैंने परचेज किए ऑनलाइन और इतनी मुझे एड्स आ रही हैं के ऊपर ग्लासेस 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 ले 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 लो ले लो ले लो तो ये कैसे चल रहा है उनको पता चल गया कि इसने गूगल पे या कहीं पे ना तस्वीर तो लगाई है अपनी समर भी आ रहा है और आपको पता ही टारगेटेड ऑडियंस भी है सीजनैलिटी के हिसाब से कि समर में सन चलते हैं विंटर में नहीं आपको कोई भी एड्स आएंगी ऐसी विंटर में आपको आ रही होती दस्ताने ले लो टोपियां ले लो समझ रहे ना बात अक्सर औकात पहना भी जाते हैं आपको सर्दियों में सो दीज आर दिंग्स जो यहाँ पे मैटर करती हैं इन डेटा साइंस डेटा आपका और ऊपर से आपको एड्स आ रही है इसको हम ऑनलाइन एडवर्टीज बोलते हैं लर्निंग के अंदर आप कोई भी इमेज दें मतलब आपने कैट्स और डॉग्स की तस्वीरें बेबह दी मशीन को एंड देन मशीन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट तो वो क्या करती है इसको एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर तोड़ के कि ये कान है ये नाक है ये इस तरीके से इसकी अगर आंखें थोड़ी सी ऐसे हैं तो ये बिल्ली है वो बच्चों को नहीं हम कहते हैं बिल्ली बन के दिखाओ तो वो माऊ बिली बन के दिखाते हैं ना जब बच्चे तो वो कस, असल में आपको एक फीचर बता रहे होते हैं कैट का जो कंप्यूटर उस तरीके से पहले से देख रहा होता है सो यू कैन टैग इमेजेस स्टार्ट स्टार्ट में जैसे आप फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करते थे आपको टैग्स लग जाते थे ना वो अक्सर आ हो रहा होता था इंजॉय पार्टी अलॉन और साथ में टैग किया होता था उनचास अदर्स को तो वो टैग की बात हो रही है क्या आपके तस्वीर के ऊपर टैग आ जाता था फिर एम पी थ्री सॉन्ग्स के टेक्स ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आजकल बड़ा मशहूर है काम कोई भी गाना आ जाता है जैसे ये काम डाउन एक गाना चला हुआ है तो अगर तो कोई बंदा लिरिक्स नहीं देखेगा तो कुछ और ही समझ जाएगा लिरिक्स देख के उसके टेक्स ट्रांसक्रिप्ट को देखते हुए आप स्पीच को रिकग्नाइज कर रहे हैं अदरवाइज स्टार्ट में जिस जिसने भी काम डाउन काम डाउन सुना था ना वो कुछ और ही था ठीक है सो इट डिपेंड्स ऑन द लिरिक्स और जो थोड़े से बर्गर बच बच्चे हैं ना दे एक्चुअली गो एंड सर्च फॉर लिरिक्स जब भी कोई नया गाना आ जाता है यू नो वो उनकी रीजन ये है कि अगर वो गाना कहीं पार्टी में बज गया और आपको आता ना हुआ तो आपकी तो वो खराब हो जाएगी ना इज्जत तो अक्सर बच्चे जो हैं हैं को देखते हैं। यूजली मैं खुद भी देखता हूँ मुझे अक्सर नहीं आ रही होती कि ये क्या है क्यों है जैसे एक कवाली बड़ी मशहूर है तुम एक गोरख धंधा हो ऐसे ही है हो भी नहीं और हर जाओ मुझे उसके लिरिक्स इतने पसंद हैं कि मुझे वो याद नहीं थे हो रहे मैंने लिरिक्स निकाले तो वो असल में ऑडियो के ट्रांसक्रिप्ट है ठीक है तुम एक गोरख धंधा हो इसी तरीके से फिर आजकल आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट्स चल रही है, हैं ऊपर ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है तो देर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी आपको मैं बता रहा हूं अभी डीप लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके अगर आप टेस्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ उर्दू एंड पंजाबी स्टार्ट कर देना और ऑटोमेटिकली मैं जैसे उर्दू बोल रहा हूँ मेरे सब टाइटल आना स्टार्ट हो जाए कैसे मैं भी आपको एक मिसाल देता हूं लेट्स स्टार्ट दिस नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन लर्न सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड ऑन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट आई एम डूइंग हियर Now you can see that when I am speaking in English, it can ट्रांसक्रिप्ट easily into English. जिधर मैं पंजाबी चिफ्ट होना है इन्हें कुछ और ही ट्रांसलेट करने लग जाने And when I am speaking in Urdu, तो इसको समझ नहीं आनी कि क्या हो रहा है So this is a niche। ये मैं नहीं कर रहा पीछे मशीन लर्निंग चल रही है And what it does, it actually ट्रांसक्रिप्ट your audio into text। और अगर आप ये उर्दू में करने रहे ऐप्स इतनी इतनी महंगी बिक रही हैं आज के दौर में कि आपकी सोच होगी

और उसके ऊपर आए अगर किसी को नहीं पता मैं इसको स्टॉप करता हूं पे, किसी को नहीं पता ना अगर तो आप सिर्फ चेक कीजिएगा कि कैसे शॉर्ट्स शॉर्ट्स के ऊपर ऊपर कैप्शन कैप्शन लगाई जाती अक्सर आती है है ना रही होती है। तो उर्दू में लगाने के लिए अच्छा खासा टाइम लग रहा है एक बंदा एक ऐप बना देगा ना तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं ना वो महीने का हजार दो हजार तीन हजार एक ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हैं लेकिन ऐप ऐसी मौजूद नहीं है जो ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप कर दे देर आर फ्यू लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है दिस इज अग मार्केट और ये कैसे होता सुपरवाइज लर्निंग फॉर एग्जाम्पल हम पहले उसको उर्दू बताएंगे कि ये ये है अगर मैं ये बोल रहा हूं तो वो ये है कि बनी वैसे ना लिख दे दूसरे वाला ये लिखे ठीक so है सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन क्राइम सेकेंड इमेज सोनार इंफॉर्मेशन रिडार इन्फॉर्मेशन जी आई एस इन्फॉर्मेशन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कार्स एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑटोनोमस ड्राइविंग इज गेटिंग अग अपरचुनिटीड सुपरवाइज लर्निंग आपको पता है कि टेस्ला की कार जो है ये चांद गाड़ी या इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट सामने आ जाए ना तो उसको कुछ और ही प्रडिक्ट करेगी क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है कि रिक्शा क्या है उसके पास डेटा ही नहीं है कि गदा गाड़ी होती क्या है उसके पास जो डेटा है उसने वही दिखाना है अगर आपको नहीं कही तो टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग कार जो है उनके कैमरे और सोनार के बेस पे चेक कीजिएगा वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिटेक्ट करके आपको रियल टाइम में इमेजेस दे रहे होते हैं सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशन जो बड़े लेवल पे हैं सुपरवाइज लर्निंग की एंड यू शुड लर्न दीज थिंग्स अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका डेटा है और वो रियल टाइम डेटा है या नंबर का डेटा है या कैटेगरीज का डेटा है या वट एवर यू आर पुटिंग ऑनलाइन उसको आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो बिल्कुल सिंपल न्यूरल नेटवर्क है वो उसके साथ आप ट्रेन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो कॉल दिस स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क ठीक है स्टैंडर्ड का मतलब जिसमें इनपुट है हिडन लेयर्स एंड आउटपुट है देन वी हैव Cat, dog images, जो भी हमारी इमेजेस वगैरह की क्लासीफिकेशन डू दैट विध सी एन एनवोल कल भी आपको बताया ठीक है सो यू शुड नो के कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है एंड देन एम पी थ्री सॉन्ग्स ऑडियो लैंग्वेजेस कैसे करनी है यू शुड वर्क ऑन आर एन एन रिकन न्यूरल नेटवर्क अगर आपने ये सोनार ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ जाना है ना अगर कोई बंदा आप में से इंटरेस्टेड है सो so हाइब्रिड या कस्टमाइज यानी कि अपने बनाए हुए न्यूरल नेटवर्क दे हैव देयर ओन और अगर किसी को नहीं पता तो ड्राइविंग का बहुत बड़ा डेटा सेट फ्री में ऑनलाइन पड़ा हुआ है एंड दे आर प्रमोटिंग पीपल के आप आओ कुछ नया करके दिखाओ लेकिन हम कहते हैं नहीं हमने तोशा खाना का डेटा लेना है सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंसेस ऑन द अदर साइड बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स सिक्वेंशियल डेटा के लिए आर एन एन यूज होते हैं डेटा कोई भी जो सीक्वेंस के साथ आए यानी जिसमें एक सीक्वेंस मैटर करती हो मैंने कल भी एग्जाम्पल दी थी इज एम आर एन एल पी के अंदर बड़ा मैटर करता है ये मैंने इस वजह से बताया कि सुपरवाइज लर्निंग की बात जब हो रही है इसका मतलब कुछ हम पहले से बता रहे हैं ये अनसुपरवाइज नहीं है यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जान ही रहे कि ऐसा भी हो जाएगा ऐसा भी हो जाएगा राइट न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया इस पर हमने बात की है कॉम्बुलेशनल न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता है क्योंकि इसके अंदर कलर्स भी होते हैं

और वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं मैं दिखा इस वजह से रहा हूं वो कहते हैं ना कि एक चीज खिलाने से पहले अगर अच्छी दिखती हो तो खाने का भी मजा आता है ठीक है सो यहां पे आपको खास पता चल रहा है कि यार अगर तस्वीरों की बात हुई तो सी एन एन यूज करना है हमें ठीक है नहीं याद रहता तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सी एन एन न्यूज चैनल है और उसमें तस्वीरें दिखाते हैं वो ये कभी नहीं भूलेगा आपके क्यों हमने तस्वीरों पर यूज करना है ठीक है समझ लगी बात आर एन एन रेडियो सुन रहे हैं या आपको किसी का ऑडियो का मैसेज आया वो रो ही जा रहा है रोना डाला हुआ इसने, RNN. So, है उसने आर एन एन सो मेरे जुगाड़ ऐसे हैं मैं याद रख लेता हूँ स्टैंडर्ड न्यूर जो आपको डेटा मैंने स्टार्ट में भी बड़ा बताया आपको अब दोबारा से बताता हूँ अगर आपके पास डेटा फ्रेम एक्स और वाई के अंदर मौजूद है वी कैन कॉल इट ए स्ट्रक्चर डेटा यानी कि आपके पास रोज कॉलम्स और इस तरीके से डेटा मौजूद है जो आप क्वान्टिफाई कर सके या एक सिंपल

How image images are produced in a LED TV? अगर आप इस पर एक वीडियो का लिंक में आपको भेजूंगा हाउ यू कैन सी के एल इडी इमेजेस एल ई डी टीवी के अंदर कैसे कलर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं तो ये एक मैं आपको लिंक भेजता हूँ आप जरूर उसे देखिएगा तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यार असल में क्या सीन चल रहा होता है इसके पीछे और डेटा किस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है मैं ये आपको टेलीग्राम में भेज दिया अभी लिंक और मैं यहाँ पे यूट्यूब के अंदर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ सो अनस्ट्रक्चर डेटा वो डेटा जो एक्स और वाई की फॉर्म में यानी कि आपके पास डेटा फ्रेम की शक्ल में या एर की शक्ल में नहीं है ठीक है इमेज का डेटा इमेज है ये कितनी प्यारी बिल्ली है लेकिन कंप्यूटर इसको बिल्ली की तरह नहीं देखता बिल्ली की तरह भी नहीं देखता कंप्यूटर इसको देखता है पिक्सल्स की बेस पे उसके कलर्स की कंफर्मेशन की बेस पे आर हर पिक्सेल के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको काउंट करके देखते हैं देन इट कैन ठीक है जो कल हमने एग्जाम्पल में शूज और जो हमारे कोट्स uh, वगैरह थे उनको करके देखा ऑडियो में क्या होता है समझने वाली बात है ऑडियो कैसे ट्रांसक्रिप्ट हो रहा होता है आपको क्या लगता है इसके अंदर जो मुझे समझ आती है ना अभी तक मैं मतलब नॉलेज की बात नहीं कर रहा गैस की बात कर रहा हूं गैस की बात यह कहती है कि ये पीक्स कितने वक्फे से आती हैं पहली चीज कितनी ऊंची हैं दूसरी चीज पीक की पिच कितनी है तीसरी चीज बेस कितनी है चौथी चीज उतार जड़ाव कितना है पांचवी चीज एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स क्रस ट्रफ अगर किसी को नहीं पता अगर किसी ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऐसे ऐसे करके वो चल रहे होते हैं एक क्रस्ट होता होता है, है। तो इफ़ यू डोंट नो अबाउट ऑडियो के ऊपर अगर काम करना है तो ये बड़े साइंटिफिक चीजें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। और हर एक चीज जब आप ट्रांसक्रिप्ट करते हैं तो वो ट्रांसलेट होते हैं। example, मैंने टी बोला अब टी टिट फॉर आर वर्ड्स मतलब मिलियंस ऑफ वर्ड्स आउट देयर कंबिनेशन के साथ जो टी से स्टार्ट होते हैं ठीक है हम एज ए पाकिस्तानी टी को टी बोलते हैं खास तौर पे अमेरिकन या जो ब्रिटिश हैं वो ठी बोलते हैं ठी थी, ठीक है सो so, ये चीजें भी इसमें काउंट होती हैं कि एक्सेंट किसका कैसा है किसका कैसा है ठीक है सो so, ये सारी चीजें कैसे काउंट होती हैं यार इतना ऑडियो का डेटा पड़ा है जो ऑलरेडी ट्रांसक्राइब्ड डेटा है मतलब क्या मैं पहले एक स्क्रिप्ट लिखता हूं और फिर मैं उसे बोलूं तो इसका मतलब मैंने ऑडियो डेटा को लेबल कर दिया समझ आई बात की एक स्क्रिप्ट मैंने लिखा सेम उसे फिर बोला तो मैंने ऑडियो डेटा को लेबलिंग भी दे दी कि ये जो मैंने ऑडियो बोला है इसके लेबल्स ये हैं यानी कि जो मैंने बोला है वो ये लिखा हुआ है so सो वो उसको समझता है अच्छा अगर यहाँ पे टी आया तो उसकी पीक क्या बनी उसकी विथ क्या है लेंथ क्या है सारा कुछ एंड सो एंड सो फोर्थ तो अगर आपके पास मूवीज का डेटा जो एक स्क्रिप्टेड डेटा होता है स्क्रिप्टेड ही होता है ना मूवी के स्क्रिप्ट होते हैं फिर आगे चलता है या ड्रामो का डेटा अगर आप उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दें यू कैन बिल्ड अ बिग बिग मॉडल

And efficient to analyze. लेकिन डिपेंड करता है कि कितना बड़ा और क्या कम्प्लेक्सिटीज है सो नेक्स्ट है? so, चलते हैं अब एक्टिवेशन फंक्शन मैंने क्यों ये इतनी गेम घुमा के आपको एक्टिवेशन फंक्शन में लेके आ रीजन है एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये डिपेंड करते हैं आपका डेटा कैसा है और आप उस डेटा से क्या करना चाह रहे हैं ठीक है लेट्स स्टार्ट विद एक्टिवेशन फंक्शन नाउ हम इसमें ये देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या है टाइप्स कितनी है मोस्ट वाइडली यूज कौन से वो जुगाड़ नहीं मैं देता होता तो आपको कि ये नौ सारे हैं मेन चार हैं जो यूज होते हैं वो जुगाड़ आपको मिलने वाला है देन कैसे उसे चूज करते हैं और कोड कैसे करते हैं डिजाइन ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क ये आपको कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि जब भी हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्रिटिकल पार्ट होते हैं, ठीक है थीके? अगर मैं यहां पे आपको एक्टिवेशन फंक्शन कल जो हमने बनाया था इस तरीके से हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया था ठीक है फिर इसको हमने कहा था ये तीनों का एक कनेक्शन बनता है और यहां पे इस तरीके से दो हिस्सों में चीज डिवाइड हो जाती है एक में वेट्स प्लस बाइसिस हो जाती है ठीक है समीशन ऑफ वेट ऑफ ऑल द फीचर्स बाइसिस और यहां पे हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आता है ठीक है अब यहां वाले दायरे को हम पढ़ लें कल हमने इसको पढ़ लिया हुआ है तो हम सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन को पढ़ लें कि इनका क्या काम है ये जो न्यूमेरिक डेटा यहां से आता है इसके ऊपर कैसे असर अंदाज होते हैं और क्या बनाते हैं ठीक है सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ ओके मैं पॉइंटर अपना बंद करता हूं यहां से कुछ इस तरीके से आपका इनपुट होती है ठीक है फिर आपके वेट्स आते हैं जो कनेक्शन होता है बिटवीन वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। ये वेट्स क्या है जो मैंने कल बताया था हर फीचर का करंट कितना है ये वो वाला करंट नहीं है तो करंट मार दा ये डिफरेंट करंट है दिस इज समहाउ द स्ट्रेंथ ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन एक्स वन एंड द अदर न्यूरॉन ठीक है जो पहले न्यूरॉन से दूसरे का कितना सख्त कनेक्शन है इसकी मिसाल बड़ी अलग किस्म के मैं देने वाला हूँ बचपन में किसी ने रस्सी को बल दिए वो रस्सी जो एक थ्रेड ऐसे गोल होता था फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर उसको ऐसे लपेटा जाता था फिर उसको गोल करके फिर लपेटा जाता था एक साइड से बांध के तो एक सिंगल रस्सी का कनेक्शन और वेट कम है एक सिंगल थ्रेड की बात कर लेते हैं मैं मैंने एक थ्रेड लंगाला धागा जो नलकी का होता है सूट सीने वाली नलकी की बात कर रहा हूं मेरे पास पड़ी नहीं है वरना मैं दिखा देता तो पहला थ्रेड जो है वो लूज कनेक्शन है कंपैरेटिवली अगर हम डबल कर लेंगे उस धागे को अक्सर का बटन लगाते वक्त हम डबल ट्रिपल करके नहीं बटन लगाते धागे को तो वो कनेक्शन की यहां पे बात हो रही है वट इज द कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरोन टू नैन अदर वन ठीक है ये वेट्स और बाइसिस मिलके हमें तकरीबन सेवनटी फाइव परसेंट ऑफ द नोड देती हैं जिसके अंदर एक नोमरिक वैल्यू आती है सही है ये वैल्यू जब आ गई हमारे पास देन वी अप्लाई एन एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरॉन के ऊपर वो कोई भी फंक्शन हो जाता है जो इस नुमेरिक वैल्यू को किसी एक अंडरस्टैंडबल चीज के अंदर कन्वर्ट करता है ठीक है यानी के ये क्या करता है एक्टिवेशन फंक्शन डेफिनेशन लिटरल डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं एन एक्टिवेशन फंक्शन in a neural network, we are talking about the activation function in neural network, not the activation function in logistic regression or some other regression type. We're talking about the activation functions in neural network. Defines how the weighted sum of the input, weighted sum, weighted sum of the input is transformed into an output from a node or nodes. इन ऑफ़ द नेटवर्क यानी कि ये जो यहाँ पे नोमरिक वैल्यू है इतनी सी इसके ऊपर कैसे ही एक्टिवेशन फंक्शन असरअंदाज होगा जो आउटपुट देगा सिंगल नोड में डबल नोड में और मोर देन टू नोड्स में कल वाली बात याद आई एक नोड कब लगना आउटपुट में दो कब लगने और मल्टीपल नोड्स कब लगने एक तब लगने जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं एक तब लगने जब हम फंक्शन के थ्रू बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं दो से ज्यादा तब लगने जब हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो राइट right? अब देखते हैं इसको समटाइम्स द एक्टिवेशन फंक्शन इज ट्रांसफर फंक्शन अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात आ जाए तो वो भी एक्टिवेशन फंक्शन ही है ठीक है इफ आउटपुट रेंज ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन इज लिमिटेड इट मे बी कॉल्डिंग फंक्शन अगर उसको लिमिटेड किया जाए यानी कि इफ द आउटपुट रेंज ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन इज लिमिटेड मतलब ये क्या हम कहें कि आउटपुट जो है वो जीरो से वन तक ही दे सकता है इससे ज्यादा नहीं तो हम उसे स्क्वासिंग स्क्वाशिंग फंक्शन बोलना स्टार्ट कर देते ठीक है ये सिर्फ टाइप है एक्टिवेशन फंक्शन मेन चीज है फिर मेनी एक्टिवेशन फंक्शंस आर नॉन लिनियर एंड मे बी रेफर टू एज द नॉन लिनियरिटी इन द लेयर और द नेटवर्क डिजाइन ठीक है एक पूरा लिनियर नेटवर्क चल रहा है ना अगर जहां पे नॉन लिनियरिटी स्टार्ट होती है उस चीज को एक्टिवेशन फंक्शन के साथ हम लिंक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ये जो एक इक्वेशन है ये हमें लीनियर फंक्शन देती है यानी कि ये हमें कोई कॉन्टिन्यूस वैल्यू देती है ठीक है अभी आप देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू डिफरेंट आउटपुट्स में कैसे कन्वर्ट होती है ये एक वैल्यू नौ के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है दो के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है एक सिंगल के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है अब इसको हम फर्दर देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन आपके सामने पहला है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो पिछले रिजल्ट की कौन सा पिछला रिजल्ट ये वाला जी की वैल्यू को टूटने ना दे मतलब उसी एक सीक्वेंस में लेके आए जो मैंने बात की ना अक्सरों का जब फंक्शन नॉन लिनियरिटी दिखा दे तो वो नॉन लिनियर हो जाएगा इसका मतलब लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है पिछली फॉर्म को लीनियरली आगे दिखा देते हैं वी विल सी दैट दूसरा फंक्शन है जिनाब स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन ठीक है आप देख रहे होंगे सडन यहां पे हमारे पास डाउनग्रेड हो रहा है यहां पे स्टीप कर्व नहीं आ रही स्टीपनेस uh, यह, uh, यह है यहाँ पे फुल मतलब तकरीबन 90 के एक ठीक है थीके? फिर आता है हमारे पास सिग्मोइड फंक्शन इसका आपको सभी को पता है रिग्रेशन के थ्रू देन वी हैव टेन एच फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन देन वी हैव वैल्यू देन वी मैक्स एक मैंने यहां से स्किप किया है वो आपके असाइनमेंट के लिए मैंने रखा है तो वो मैं अभी आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताने वाला हूं अब ये मैंने मशहूर जमाना आपको बता दिए अब बारी बारी इनको चेक करते हैं ठीक है जी लेट स्टार्ट अब एक क्वेश्चन बड़ा दिमाग में लोगों के उठता है कि यार इससे अच्छा तो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम ही पढ़ लेते एक्टिवेशन फंक्शन का क्यों रोला पड़ गया यहां पे आके ठीक है हमने एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज करना उसके पीछे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास और डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल है और हमें रिफाइन लाइन का ही नहीं पता कि हमारे पास कौन सा डेटा यूजफुल है और कौन सा नॉन यूजफुल है क्यों हम ये तो कहते हैं डेटा इज न्यू ऑयल लेकिन उस ऑयल से खाम मा, खाम तेल से हमने पेट्रोल भी निकालना है डीजल भी निकालना है और अपनी जरूरत जिंदगी की जो सही अशिया है वो निकालनी मिट्टी का तेल सो so है so फिर डेटा नॉइज़े भी होता है ठीक है यानी कि उस डेटा के अंदर कुछ ऐसी 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 चीजें हैं जो काम को खराब करती हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन हमें कैसे हेल्प करता है इनको डील करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं बेसिकली अगर मैं आपको इसको तोड़ के बताऊं तो ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है और ये ट्रांसफर कर देता है कंटिन्यूस वेरिएबल को किसी एक क्लास के अंदर नहीं ये बाकायदा इक्वेशन है जब मैं बात करूंगा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन की वो एक इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन है इससे क्या साबित हुआ कि अगर किसी को मैथमेटिक्स अच्छी आती है डीप लर्निंग हलवा है उनके लिए ठीक है जिसको नहीं आती डोंट वरी क्योंकि टूल्स ऐसे ऐसे आ चुके हैं वी डोंट नीड टू लर्न द रियली डीप डीप डाइव वी डोंट नीड टू डीप डाइव इनटू मैथमेटिक्स लेकिन अगर हम पढ़ लें अच्छे तरीके से तो यह भी बेहतर होगा ना भी पढ़ेंगे फिलहाल के लिए तो हम समझ लेंगे कहां पे यूज होना वो भी बेहतर है ठीक है ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करती है वो हेल्प करती है नेटवर्क को टू यूज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सप्रेस द नॉइज ऑटोमेटिकली रिप्रेस कर देती है नॉइज को कैसे वी विल सी दैट

तो ये नॉन लिनियरिटी को डिसीजन बॉर्डर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं द गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नॉन लिनियरिटी इज इन दू अ रियल वर्ल्ड हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जनाब बाइनरी क्लासिफिकेशन में जो टाइटैनिक में बंदे बचे वो छियानवे फीसद जो थे वो सर्वाइवल थे और चार फीसद जो था वो हमारे पास मतलब मरने वालों का रेट था हम इसको डेटा में रियल वर्ड सिचुएशन में बताएंगे हम कहेंगे बंदे का बताओ एज बताओ फेयर बताओ ये बताओ वो बताओ ये बच गया अब अगले बच्चे का बताओ जेंडर बताओ फेयर उसका बताओ क्लास का बताओ ये बेचारा नहीं बचा सो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को बताने के लिए या उसको इमिटेट करने के लिए इमिटेट लफ्ज होता है या क्या होता है यार वो क्या उसे बोलते हैं उसको दिखाने के लिए कर देने के लिए बेसिकली हम ये वाले फंक्शन यूज करते हैं और जितना डेटा हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो बेसिकली नॉन लीनियर होता है ठीक है नॉन लीनियर डेटा कौन सा होता है जिसका एक लीनियर ट्रेंड ना बन रहा हो यानी कि क्या आप अगर दो चीजों को आपस में कंपेयर करें तो उनका कोई इस तरीके का ट्रेंड ना आए ये लीनियर ट्रेंड है नॉन लीनियर क्या होगा जो इससे डेविएट करेगा तो अक्सर आपने देखा है ट्रेंड ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर होते रहते हैं रियल वर्ल्ड के डेटा में सो दैट दिस इज वट मेक्स न्यूरल नेटवर्क सो इफेक्टिव यही वजह है कि न्यूरल नेटवर्क रियल लाइफ के डेटा के पास पास हमें रिजल्ट देते हैं बाय द वे दीज आर फ्यू थिंग्स जो अभी हम देखेंगे तो कहां पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है मैंने आपको बार बार बताया डायग्राम में दोबारा से मैं इस वजह से बता रहा हूं आपको समझ आ जाए इनपुट लेयर के अंदर हमारे पास इनपुट फीचर्स होते हैं ठीक है जी हमारे पास पहला फीचर है तो है ये दूसरा ये अगर कंटिन्यू करें हजार फीचर भी हों तो हम उनको डील कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो जस्ट नीड द कंप्यूटेशन पावर ठीक है हमने सिर्फ नंबर बताना है कि इतने न्यूरॉन्स चलो भाई करो हल तो इसका मतलब हाई डायमेंशन का डेटा ऐसे हल होना समझ आ रही बात कंप्यूटेशन चाहिए बट दे हैव द पावर टू वर्क ऑन दैट नेक्स्ट उन्हीं के वेट्स आएंगे यहां पर अब एक का वेट आए दो का है दस का है मैटर हमारे पास यहां पे अगले न्यूरॉन में सभी का करंट आ जाएगा कि कितना किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया फिर हमारे पास आउटपुट वैल्यू आती है दैट कैन बी कॉन्टिन्यूस बाइनरी और कैटेगोरिकल ठीक है कैटेगोरिकल यानी मल्टी क्लास तीन चीजें आएंगी हमारे पास इसको हम परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं एक सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूरॉन ठीक है इसको कॉमनली हम परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं और ये इसके तीन टाइप होते हैं, मतलब को हम बोल सकते हैं। अगर इसमें जाए जा तो मल्टीलेयर बोल देते हैं ठीक है तो इस वजह से वहां से लफ्स निकला तो अगर आप ऐसी चीजें सारी साथ, साथ आपको समझ आती जाएंगी बिकॉज दे आर ऑल द नेम्स ऑफ दिस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ओके मैंने कल भी आपको बताया मैं दोबारा से आपको सही इक्वेशन बता रहा हूं वी फर्स्ट कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ इनपुट्स ये सम किया ये जो जितने भी वेट्स आ रहे हैं ना यहां से हमारे पास इन सभी का सम है अगर मैं यहां पे ये आपको दिखाऊं ये W1 W2 डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू इन सभी को हमने जमा किया है जमा करने के बाद हमने ये समिशन का साइन लगाया विच के वेट ठीक है जितने भी हैं यहां पे एक से लेके जितने भी हमारे पास फीचर है सभी के वेट और इन सभी के वेटेड वेट के अंदर हम बेसिकली बायस ऐड करते हैं बायस ऐड करने के बाद यहां पे एक्टिवेशन फंक्शन लगता है और फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ये वही चीज है जिसे मैंने z बोला था इसके अंदर बायस ऐड करके सो नाउ यू कैन सी कि जब हमने कैलकुलेट करना है कोई भी चीज को तो एक्टिवेशन फंक्शन की इक्वेशन आनी है अगर वो इक्वेशन कोई हमें बता रही है फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस वाई समथिंग लाइक दैट तो ये इस जगह पे वो इक्वेशन आएगी सो नाउ वी विल सी वो इक्वेशन हमें क्या कहती है शिफ्ट -E. ये क्वेश्चन हमें ये कहती है कि स्क्रीन से ही तरह शेयर करो ओके okay. यहां पे आप देख सकते हैं कि जी हमने कल आपको यही इक्वेशन दिखाई थी यहां पे Z और फिर बाद में एक्टिवेशन फंक्शन अब हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो लेके चलने अगर मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊ ही ना तो क्या होगा हमारे पास डायरेक्टली जी की वैल्यू आ जाएगी ना जी की वैल्यू पे एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है ना जी क्या है वेटेड सम ऑफ ऑल द फीचर्स प्लस बायसनेस ठीक है और ये दोनों चीजें हमारे पास मिलके जी की वैल्यू दे रही हैं देन दिस The output will be simple linear equation. simple linear linear equation. equation Weighted sum of each feature. plus दूसरे feature का एन फिर w n x n फिर plus इसके अंदर हमारे पास बाइसनेस आ जाएगी ठीक है इस तरीके से weighted सम प्लस बाइसनेस हम ऐसे तरीके से कर रहे हैं ना अब आप हाँ चेक करें कि जब हमारे पास ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब है कि है कि न्यूरल नेटवर्क सिंपल लीनियर जब तक हम एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते ठीक है और ये हमारे पास वैल्यू दे रही है अगर कोई एक्टिवेशन फंक्शन ऐसा है जो इसको डायरेक्टली सिंपल लीनियर इक्वेशन में ही रहने दे तो इसका मतलब है उसको हम कह सकते हैं ना लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है तो यही हम अभी देखने वाले ओके

यानी सिंपली आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाईड बाय वन मतलब क्या जो है वो वैसा ही है टू मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाईड बाई वन फाइव मतलब किसी चीज को वन के साथ मल्टीप्लाई करो कंटिन्यूस वेरिएबल को तो आपके पास वही चीज वापस आती है तो इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब वही हुआ कि आपके पास सेम चीज आ जाए तो इसका मतलब है जो एक्टिवेशन फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट ठीक हो गया द फंक्शन डजेंट डू एनीथिंग टू द वेटेड वेटेड सम ऑफ द इनपुट इट सिंपली स्प्लिट्स आउट स्पिट्स आउट द वैल्यू इट वाज गिवन एज शोन प्रीवियसली सिंपली जी की वैल्यू देता है ठीक हो गया लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन पहला फंक्शन अच्छा मुझे अब बताएं अगर रिग्रेशन की आपने प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सॉल्व करना है तो आपको अब समझ आ गई होगी कौन सा फंक्शन यूज करना है नहीं मैंने आपको पहले बताया कि ये वाली जो चीज है यही हमें चाहिए होती है एक्टिवेशन फंक्शन नहीं यूज होता या आप कोई ना यूज करें या सिंपली ये वाला लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लें फॉर नाउ लेटर ऑन आई विल यूर भी तरीकों से डील किया जाता है राइट right, जी लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं ठीक है और इसके अंदर, पॉसिबल टू यूज बैक प्रोपेगेशन एज द इनपुट एक्स समझ आई बात की नहीं इसका मतलब यह है कि इसमें अगर हम बैक प्रोपेगेशन करने की कोशिश करते हैं तो कोई इस पर असर नहीं पड़ता अगर आप गौर से पढ़ें डेरिवेटिव क्या होता है अगर मैथमेटिक्स के टर्म में देखा जाए इट्स नॉट पॉसिबल पॉसिबल टू यूज बैक प्रोपिगेशन क्यों एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ए कॉन्स्टेंट समझ आई बात की उसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्स्टेंट है एंड हैज नो रिलेशन टू द इनपुट एक्स यानी कि उसका रिलेशन ही कोई नहीं बनता उसके साथ ठीक है तो इस वजह से हम यूज नहीं करते ऑल लेयर्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क विल कोलैप्स इनटू वन If a linear activation function is used, no matter the number of layers in the neural network, the last layer will be a linear function of the first layer. Simply, वो linear function hi rehna at the end, theek hai ab a linear activation function turns the neural network into just one layer. पूरे का पूरा neural network एक layer में convert हो जाना। यानी कि जो पीछे से आ रहा है ना, सारा कुछ एक layer में हो जाना। है। पीछे आप 26 layers लगा दो, at the end उसका pointed vector बन जाना at the end. ठीक है क्योंकि हमारी आउटपुट लेयर वन हो जाती है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस फिर कौन से हुए द लिमिटेड पावर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन सिंपली अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस does not allow the model to create complex mappings between the network's inputs and outputs इसका मतलब यह है कि जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ना वो कोई बहुत बड़ी कंप्लेक्स चीजें नहीं कर रहे डायरेक्टली हमें वेट्स और बाइसेस के बेस पे आउटपुट दे रहे हैं जिसकी वजह से एक्टिवेशन फंक्शन की जो लिमिटेशन है वो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन रिजोल्व करते हैं नॉन लीनियर कौन से हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, सारे, के सारे वो क्या करते हैं, वो मैं करने देते हैं। पिछले में नहीं होती थी ड्यू टू आउटपुट ऑफ दिवेटिव बिकॉज नाउ द डेरिवेटिव फंक्शन वुड बी रिलेटेड टू द इनपुट ठीक है मतलब ये सिंपल सा रूल

एट दी एंड एक में कन्वर्ट कर रहा था something like this. मतलब आपके पास output जो है वो एक न्यूरॉन के थ्रू आती है जब हम मल्टीलेयर न्यूरॉन नेटवर्क को यूज कर सकते हैं something like this, और output में भी दो या दो या से ज़्यादा यूज करें तो ये हमें इजाजत देता है पहली चीज के ज़्यादा को करने की यानी कि कंप्लेक्स जो डेटा है उसको आउटपुट में लाने की सेकंड हमें यूज देता है बैक प्रोपिगेशन की अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या हम बैक प्रोपेगेशन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में कर सकते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए हैं नहीं कर सकते सही है हैरान कीजिए हैं नहीं कर सकते रीजन क्या है वो उसका यार डेरिवेटिव कांस्टेंट की वैल्यू देता है वो कोई असर ही नहीं करेगा आपका दोबारा आके ठीक है अब मैं डेरिवेटिव के पीछे नहीं भाग रहा वरना यहां पे मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी सो यू शुड लर्न दिस कीवर्ड लिख ले और इस पे फिर बात करें दूसरा मल्टी लेयर्स बन जाती हैं पहला

जैसे आप एक लिमिट नहीं रख देते कि यार ये मेरा थ्रेश है इससे ऊपर या इससे नीचे कुछ काम होना चाहिए या तो एक्टिवेट हो जाए या बंद हो जाए थ्रेश का मतलब यही होता है ना एक लिमिट है वो कहते हैं ना कि यार अब मेरी ना लिमिट क्रॉस हो गई है एक मीम भी बड़ी हिट हुई थी मेरी बर्दाश्त की एक हद है सो डोंट लिमिट द क्रॉस आप आपने सुनी हो शायद तो ये मीम बन गई थी तो वहां से थ्रेशोल्ड अगर देखा जाए लिमिट को देखा जाए सो वो एक्टिवेशन फंक्शन भी कहता है कि मेरी बर्दाश्त की एक हद है सो डोंट लिमिट द क्रॉस ऑफ दैट मतलब उस लिमिट को क्रॉस ना करो ये लिमिट द क्रॉस मीम में, में था है ना समझो मैंने अंग्रेजी नहीं आती है अंग्रेजी कम्स सो आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड न्यूरॉन इज एक्टिवेटेड न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं वो बर्दाश्त की हद के बाद वो कहता है कि अब मैं एक्टिवेट होने लगा बिलो द सेट थ्रेश होल्ड न्यूरोन इज डीएक्टिवेटेड ठीक है थ्रेशोल्ड बेस है अगर आपका थ्रेशोल्ड जीरो है जैसे मैंने ग्राफ में दिखाया दिस एक्टिवेशन फंक्शन कैन बी यूज इन बाइनरी क्लासिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट हाउ एवर इट कैन नॉट बी यूज इन दिचुएशन वेयर यू हैव मल्टी क्लास क्लासेज टू शो आप देख सकते हैं कि जीरो इसकी लिमिट है ठीक है यहां पर थ्रेसोल्ड इसका जीरो है जीरो से ऊपर वैल्यू गई तो ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाना इसका मतलब क्या है बाइनरी स्टेप फंक्शन का क्या मतलब है ये या जीरो है या वन है इसकी वैल्यू जो सेंटर में है ना वो या तो इधर रह जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे ठीक है बेस्ड ऑन द राउंडिंग ऑफ वैल्यूज ठीक है वो जो एक चीज होते है ना कि यार एक मेरा दिल करता है मैं चला जाऊं एक मेरा दिल करता है ना जाऊं ये वो वाली सिचुएशन है वो जो कहेगा ना बीच में यार थोड़ा सा कर रहा है चला जाऊं बहुत ज्यादा कर रहा है ना जाऊं तो वो कहेगा मैं नहीं जा रहा सो यू हैव टू चूज आइदर यस और नो ओनली बाइनरी क्लासिफिकेशन लेकिन यहां पर थ्रेश है कि इस थ्रेश के बाद कोई चीज बताओ ठीक है मतलब ये अगर मैं आपको थ्रेसोल्ड रख दू टू या चलो बीस रख देता हूं अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसके पास बीस से ज्यादा पैसे हैं रुपए तो जिसके पास हैं वो आ जाएंगे हाँ में जिसके पास नहीं है वहां पे न्यूरोन ही नहीं एक्टिव होगा वो कहेगा नहीं भाई ना भाई सही है समझ रहे हैं बात को तो इस तरीके से बाइनरी स्टेप फंक्शन काम करता है बड़ा सिंपल सा फंक्शन है लेकिन बहुत कम यूज होता है बेचारा चवारा मैंने साथ ही लिख दिया नॉट अ फेमस वन इस बेचारे को कोई पूछता नहीं है ठीक है वो एक डायलॉग है ना कि मिले थे सो मिले से तो कोई पाल ही नहीं कहता तो ये फंक्शन यही कहता है कि मिले से कोई पाल ही नहीं कहता रीजन क्या है ये फेमस नहीं है बेचारा और आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा सो so, इट डज नॉट मईर्स द्वार्स इट एक्चुअली क्लासीफाइज इन टू टू कैटेगरीज दूसरा है हमारा सिगमोइड आपका मशहूर है जमाना लॉजिस्टिक फंक्शन सिगमॉइड फंक्शन ये क्या होता है ये स्टेप फंक्शन से थोड़ा सा स्टेपेड है और इसी वजह से मशहूर हो गया क्यों ये वो वाली चीजों को भी डील कर रहा है जो पिछले ने यहां पर सही तरीके से डील नहीं थी की ठीक है अगर यही हम कर्व बना दें अब आप चेक करें जो यहां पे भी है वो भी यहाँ आ रहा है ये वाला भी यहाँ आ रहा है ये वाला भी यहाँ आ रहा है और इस पॉइंट के बाद जिस दर को कर्व का कर झुकाव हो रहा है वहां पे चीजें चली जाएंगी एंड नाउ यू कैन सी दिस स्मूथ इज द कर्व बिटवीन जीरो एंड वन दिस फंक्शन टेक्स एनी रियल वैल्यू एज एन इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू इन द रेंज ऑफ जीरो टू वन ठीक हो गया जीरो से वन की रेंज में आपको आउटपुट वैल्यू देता है और यूजुअली सिग्मोइड फंक्शन जब जीरो से वन की रेंज में वैल्यू दे रहा है तो अगर आप बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो वैल्यूज या जीरो हो जाएंगी या वन हो जाएंगी ठीक है ये आपको पता है पहले द लार्जर द इनपुट मोर पॉजिटिव द क्लोजर द आउटपुट वैल्यू विल बी टू वन ठीक है वेयर एज द स्मॉलर द इनपुट मोर नेगेटिव द क्लोजर द आउटपुट विल बी जीरो यानी कि मतलब ये है कि अगर आपकी वैल्यूज इस एक ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइड पे हैं तो वो जीरो है अगर आप गौर करें अगर कोई भी वैल्यू मेरे पास एक्स की मैं अगर कहूं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं टोटल सिनेरियो की नहीं बात कर रहा तो अगर पॉजिटिव है तो वन हो जाएंगे सो so, यही सिनेरियो अक्सर औकात बनता है कि आपके छोटे वाली वैल्यूज जीरो के करीब रह जाती है बड़े वाली यहां पर रह जाती है सो यू शुड है सिग्मोइड लॉजिस्टिक फंक्शन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है वन ओवर वन प्लस E की पावर माइनस एक्स ये अब ई e बार बार आ रहा है मैंने लेके आ रहा ये खुद आ रहा है यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए चैट ओपन करता हूं मुझे बताइएगा कि ई e क्या है यहां पे ये वो वाला ई e नहीं है ई e, वो ई वाला एक्सपोनेंट ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है इसको हम बोलते क्या हैं? नहीं पता तो आप सर्च कर सकते मैंने मैं कौन सा वहां पे बैठा इतनी सी चीटिंग तो कर ही लेते हैं सॉरी एक कह है है है, रहे हैं यूलिट कॉन्स्टेंट एक कह रहे हैं एक्सप्रेंट जी कौन ठीक है इनमें से वट इज दिस ई

एंड वन ओवर एंड नॉट सो समथिंग लाइक दैट तो आप इसको विकीपीडिया पर देखिएगा आपको समझ आ जाएगी बट दैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाती है सो यू डोट दैट ठीक है ये क्यूँ है क्या है किस वजह से है वो मिथ हम छोड़ते हैं जिन्होंने एलगोरेथम बनाया ठीक है हम यहाँ पे ये कहते हैं वन ओवर वन प्लस ई माइनस एक्स उसकी पावर तो ये टोटल हमारे पास एक वैल्यू है इसका मतलब क्या है एक्स के अंदर आपकी वो वाली वैल्यू आनी जो जी की मैंने कैलकुलेट की थी समझ आई बात की या नहीं X यहां पे वेटेड सम प्लस है है वो जिसको मैं मैं बोल रहा रहा था ये बोला जा रहा है उसे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं ताकि आपको यहीं पे मैं क्लियर करूं कैसे न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है ये मैंने बोला था ना जी इज इक्वल टू समिशन ऑफ वेटेड सम प्लस बाइस ये जो जी मैंने बोला था ये यह इसको यहां पर एक्स बोला जा रहा है तो सिग्मोइड फंक्शन क्या कर रहा है फंक्शन ऑफ एक्स ये बेसिकली जिस चीज पे लगना है ना उसकी वैल्यू यहां पे आनी बाकी हमारे पास जो कांस्टेंट है 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 वो वही रहना ठीक समझ आ गई बात की एट द एंड हमारे पास वैल्यू आ जानी है वो कौन सी वैल्यू आनी है वो इस रेंज में आनी है जो मर्जी आप कर लो इस रेंज से बाहर नहीं जानी वो ठीक है सो दैट्स हाउ एक्टिवेशन फंक्शन वर्क्स पहले आपने वेटेड सम ऑफ एवरेज ली साथ में एक्टिवेशन फंक्शन लगाया नूरल नेटवर्क तैयार नेटवर्क नूरल नेटवर्क ये असल में नूरल नेटवर्क हो रहा है आजकल सिग्मोड लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है फंक्शन के एडवांटेजेस ये हैं बहुत ज्यादा यूज होता है फेमस वन है ठीक है हर बंदा है इस सिगमॉइड फंक्शन को चाहता है कि यार मैं भी यूज करूं मैं भी यूज करूं क्योंकि सस्ता सा अच्छा सा प्यारा सा फंक्शन है हर मार्केट से मिल जाता है सो पीपल आर एक्चुअली रियली confident about this function और जब सिग्मोड एक नाम भी अच्छा लगता है ना याद भी बंदे को जल्दी हो जाता है कुछ सवाल पूछ ले तो बता भी देता है किसकी शेप का होता है जीरो से वन का होता है बाइंडरी फंक्शन है सो so ऑन आप चलते रहते हैं और आप अच्छी खासी बता सकते हैं अब तो आपको इक्वेशन भी याद होगी इसकी ठीक है तो अब तो आप और भी यूज करेंगे तो यही मकसद है इट इज कॉमनली यूज फॉर मॉडल्स वेयर वी हैव टू प्रोडिक्ट द प्रोबिलिटी एज एन आउटपुट प्रोबिलिटी कैलकुलेट करता है ये बिटवीन दीज टू पॉइंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले में हमने ये यूज किया था आपको शायद याद हो इट स्पिट्सिटी सिंस प्रोबिलिटी ऑफ एनीथिंग एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द रेंज ऑफ जीरो एंड वन सिग्मॉइड इज़ द राइट चॉइस बिकॉज ऑफ इट्स रेंज ठीक है अब हम आगे चलते हैं इट नॉर्मलाइजेज द आउटपुट ऑफ ईच न्यूरोन ठीक है

और यहीं पे ऊपर ही सारी वैल्यूज रहती हैं इससे कहीं पे इधर उधर नहीं जाती सो so, जारी बात है इतना अच्छा फंक्शन है तो लोगों ने कीड़े भी तो निकाले होंगे ना हाउ एवर की बात आ जाती है सिग्मोट फंक्शन मेक्स ऑल्सो नो चेंज इन द प्रोडिक्शन फॉर वेरी हाई और वेरी लो इनपुट्स विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन न्यूरल नेटवर्क रिफ्यूजिंग टू लर्न फर्दर दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द वेनिशिंग ग्रेडियंट वेनिशिंग ग्रेडियंट एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होती है न्यूरल नेटवर्क के अंदर और मैं बड़ी ही आसानी के साथ आपको बताने लगा और उम्मीद है आपको नहीं भूलेगी ये अब वेनिशिंग ग्रेडियंट क्या है उसने बोला कि सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है उनको ये कोई उसमें चेंजेस नहीं दिखाता और हाईएस्ट पे भी नहीं यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर रिफ्यूज कर देता है काम करने को रीजन क्या है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है तो इसका मतलब जो यहां पे वैल्यू पड़ी है ये वाली ये दोनों बराबर हो गई इसका मतलब ये हुआ कि वैनिशिंग ग्रेडियंट जब आप सिग्मोइड फंक्शन को यूज करते हैं आप दोबारा से पढ़िएगा हाउ एवर सिग्मोट फंक्शन मेक्स ऑलमोस्ट नो चेंज इन द प्रेडिक्शन फॉर वेरी हाई और वेरी लो इनपुट्स विच

डिसडवाटेजेस कंपिटेशनली एक्सपेंसिव क्योंकि प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करनी है आउटपुट नॉन जीरो पे है नॉन जीरो से ऊपर है इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती ठीक है वेनिशिंग ग्रेडियंट है फॉर वेरी हाई और वेरी लो वैल्यूज ऑफ एक्स देर इज ऑलमोस्ट नो चेंज टू द प्रोडिक्शन कॉजिंग अ वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम दिस कैन रिजल्ट इन द नेटवर्क रिफ्यूजिंग टू लर्न फर्दर और बींग टू स्लो टू रीच एंड एकट प्रोडिक्शन यानी कि जो बहुत हाई और बहुत लो वैल्यू है आपके डेटा की एक्सट्रीम वैल्यू जिन्हें बोला जाता है जो आपके अगर आप बॉक्स प्लॉट बनाए तो आई क्यू आर रेंज के अंदर है लेकिन बहुत कोने पर आम इंसानों में जवेद जन्ना इंसान है लेकिन एक्सट्रीम पे है तो वो कहेगा मैं नहीं सिग्मोइड फंक्शन कहेगा मैं नहीं इस बंदे का हाइट माप नहीं मेरे से वहां तक पहुंचा नहीं जाता क्या एग्जाम्पल मतलब फंक्शन एक मेरे जैसा कोई इंसान है छह फीट के करीब करीब और वो कहता है कि जवेद चन्ने का कादूंचा ऊंचा मैंने नहीं से मापना भाई ये बस ठीक है इसको कह देता हूं तुम बता दो कितनी है तुम्हारी वो कहता है मेरी आठ फुट है हाइट कहता ठीक है चलो ठीक है मैंने मान दी बात लेकिन वो खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो वो भी होगी

वैनिशिंग ग्रेडिएंट की समझ आ गई होगी आपको वो कहता है अभी जो तुमने कह दिया तुम, तुम वही हो तू सब कुछ है ठीक है नाम लिए बगैर क्योंकि पबंदी है सो so, अब यहां पे टेन एच फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैं इस रिकॉर्डिंग को यहां पे स्टॉप करता हूं